ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनोज गुप्ता और अब वक्त हो चला है दिल्ली एनसीआर की 10 बड़ी खबरों का। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 17,296 नए मामले सामने आए हैं और 407 लोगों की मौत हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी अपडेट के मुताबिक देश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4,90,401 हो गया है, जिसमें 15,301 लोगों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों के कुल आंकड़े 73,000 के पार पहुंच गए हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 3,390 नए केस सामने आए हैं, जबकि 64 मरीजों की मौत हुई है। दिल्ली में अब तक 2,429 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के अस्पताल में 13,500 बेड तैयार हैं। आने वाले समय में शायद आईसीयू के बेड की जरूरत पड़े। आज कैबिनेट मीटिंग में बुराड़ी अस्पताल में 450 बेड बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। एलएनजेपी के सामने एक बैंक्वेट हॉल में 100 बेड्स का इंतजाम भी किया गया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि जिन मरीजों में ऑक्सीजन लेवल कम होने का सिम्टम नहीं होता है, उनका ऑक्सीजन लेवल अचानक गिरता है और मौत हो जाती है। होम क्वारंटाइन में रह रहे सभी लोगों को ऑक्सीमीटर दे दिया गया है। यह ऑक्सीमीटर आपका सुरक्षा कवच है। हर घंटे या 2 घंटे पर ऑक्सीजन लेवल नापते रहें। भारत और चीन के विवाद के बाद देश में तेज हो रहा है बॉयकॉट चीनी आंदोलन। देश के कई हिस्सों में चीनी सामान को जलाया जा रहा है। सुल्तानपुर से पूर्व विधायक जयकिशन ने आज गलवान वैली में शहीद हुए 20 सैनिकों को कांग्रेस पार्टी द्वारा सुल्तानपुरी के बी ब्लॉक अंबेडकर पार्क में श्रद्धांजलि दी। सभी कांग्रेस कार्यकर्ता साथ में मौजूद रहे। सुल्तानपुरी में बाबा साहब अंबेडकर पार्क के प्रांगण में हमारे देश के शहीदों के उपलक्ष्य में या उनकी शहादत पर श्रद्धांजलि देने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे हुए। आत्महत्या के लिए नेशनल हाईवे 2 के ब्रिज से रेलवे ट्रैक पर कूदने के लिए चढ़ी महिला को पुलिस ने अपनी सूझबूझ से बचा लिया। बल्लभगढ़ स्थित जेसीबी कंपनी के पास बने नेशनल हाईवे ब्रिज से छलांग लगाने की महिला कोशिश कर रही थी। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 24 के स्थानीय लोगों ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर काला दिवस मनाया। दरअसल सेक्टर 24 में एक नया नाला बनाया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी खफा हैं। जब इसका प्लान कहीं और से था तो वहाँ से चेंज करके यहाँ पे क्यों कराया गया? और नाला चलो ठीक है, नाला बन रहा है, सड़कें देख लो यहाँ की, पार्क देख लो यहाँ के, ना यहाँ MLA ध्यान देता और ना यहाँ का MP ध्यान देता। दिल्ली के शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर डिब्बों में बुधवार से कोरोना मरीजों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक करीब 6 मरीजों को यहां लाया जा चुका है। नॉर्दर्न रेंज के महाप्रबंधक राजीव चौधरी ने बताया कि शकूर बस्ती रेलवे स्टेशन पर खड़ा किए गए रेलवे कोच में मरीज आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल यानी कि LNGP अस्पताल में भर्ती कोरोना के मरीज अब अपने रिश्तेदार और परिवार के लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात कर सकेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को वीडियो कॉल सुविधा की शुरुआत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए MS दफ्तर के नजदीक एक हेल्प डेस्क कमरे में टैब का इंतजाम किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुवार से यहां पर एक नई सुविधा की शुरुआत हो रही है। दिल्ली NCR की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण TV।